और अभी आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान और पीटीआई वफ्द की मुलाकात ख़त्म हो गई है और अहम मुलाकात थी ये पीटीआई वफ्द में। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, बैरिस्टर अली जफर और सलमान अकरम राजा, हामिद रजा भी शामिल हैं। तो यह अहम मुलाकात थी तरमीम के हवाले से जो कि अब ख़त्म हो गई है। मज़ीद क्या पेशरफ्त हुई, तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिए। जी देखिए, इस वक्त मौलाना फजल रहमान की रिहाइश से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द रवाना। असद कैसर से मुख्तसर सी बातचीत हो पाई है, उन्होंने कहा कि कंसल्टेशन जारी रखने का फैसला हुआ है। ये मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद अब रवाना हो रहा है पीटीआई का पूरा वफ्द। वापस आने का कहा गया है, हामिद रजा कह रहे हैं कि वो वापस आएंगे, अभी कहीं पे रवाना हो रहे हैं। तफसीली मुलाकात हुई है तकरीबन कोई दो सवा दो घंटे की, और इस मुलाकात के बाद अब बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा, असद कैसर और बाकी सलमान अकरम राजा, ये सारे लोग अब मौलाना की रिहायशगाह से रवाना हो रहे हैं और जाते जाते इतना बताया है कि वापस भी आएंगे। अब कहां पर जा रहे हैं इस बारे में कुछ देर में पता चल जाएगा, लेकिन मुलाकात खत्म हुई है और ये वफ्द अब रवाना हो गया है। नहीं तो अब्दुल कादिर, क्या पता चल रहा है कि हामिद रजा और ये जो वफ्द है ये कहीं जा रहा है, वहां से होकर वापस आना चाह रहा है, या ये मौलाना की सदर मुमलिकत वजीर आजम और बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद दोबारा आना चाह रहा है, कोई पैगाम रसानी हो रही है? देखिए, अभी ये मैं आपके इस फोन कॉल के बाद रब्ता करके मालूम करूंगा, क्योंकि बहुत जल्दी में निकले हैं ये सारे लोग और बहुत ज्यादा रश रहा यहाँ पर, तो बात मैं उनसे कर नहीं पाया अभी फोन करके उनसे। मौलाना की ऐवान सदर रवानगी की क्या इंतजाम है? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आ रही कि फौरी तौर पर निकलने के इंतजाम हैं, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सुबह से लगे हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौजूद हैं, और चूंकि मौलाना को जाना भी था ऐवान सदर के लिए, तो कुछ देर में हो सकता है वो रवाना हो जाए। उनकी दोपहर में होने वाली जो सदर मुमलिकत से मुलाकात थी वो मौखर हो गई थी, उस वक्त मुलाकात नहीं हो पाई। फिर पीटीआई का वफ्द आया, तो दो घंटे तक अब इनकी मुलाकात हुई है, और पीटीआई का वफ्द निकलते वक्त ये बता ही दिया है कि वो जल्द वापस आएंगे। अब कहाँ पर गए हैं, किसके पास गए हैं, ये कुछ देर में मालूम होगा, लेकिन इब्तदाई तौर पर इनकी मौलाना से मुशावरत मुकम्मल हुई है। बानी पीटीआई का पैगाम पहुँचा दिया गया है, जो गाइडलाइन बानी पीटीआई की जानब से दी गई हैं वो इन्हें पहुँचाई गई हैं। इसके अलावा जो बिलावल से आज मुलाकात हुई मौलाना की, और मोहसिन नकवी आए यहाँ पर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आए, उनके हवाले से मौलाना ने इनको बताया कि उनका क्या प्लान है, वो क्या सोच रखते हैं। तो इस वक्त की ये सारी सिचुएशन है, अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है आईनी तरमीम के हवाले से। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर।